कि ये शिव तत्व को पहचाना जाए। इसरो द्वारा, इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजा गया, दक्षिण सतह पर। उस इसरो के वैज्ञानिकों के जो सचिव हैं, उनसे पूछा गया कि ये सारी वैज्ञानिकता, ये सारे रिसर्च जितने करे जा रहे हैं, वैज्ञानिक जितने रिसर्च कर रहा है, ये सारे रिसर्च आप कहां से लेकर आते हैं? इसरो के वैज्ञानिकों के उस आनंद में उसके सचिव कह रहे हैं, आप पढ़िएगा अखबारों में, आप पढ़िएगा सोशल मीडिया पर, उसके वैज्ञानिक कह रहे हैं ये सब हमारे वेद के, हमारे शास्त्र के, हमारी शिव पुराण के और हमारे शास्त्रों में से निकाले हुए हैं। एक एक वैज्ञानिक का जो रिसर्च है, एक एक तत्व को जो वो कर रहे हैं, एक एक तत्व हमारे वेद और पुराण के, हमारे शास्त्रों के। कैसे नकार दे दुनिया? लोग कहते हैं सीओर वाला महाराज तो बस टोट का बता देता, टोट के का महाराज है। तो तुम जो समझो, तुम जो समझो, हम टोटका वाला समझो चाहे फोकटा वाला समझो, तुम्हारी मर्जी हो वो समझो, पर इतना जरूर करना कि ये टोटके वाला महाराज अगर टोटका भी बता दे तो कर तो लो, कर लोगे तो तुम्हें इतर जाओगे, बहुत है उतना। मंदिर तक तो जाओगे ना, शिवालय तक तो जाओगे ना। जब सोमनी के हाथ की बेलपत्र फेंकी हुई शंकर जी के पास उड़ के चली गई और उसको कैलाश मिल गया, तो तुम टोटका समझकर भी अगर शंकर के दरवाजे चले गए तो कैलाश चले जाओगे, हो गया कल्याण उतने में, बस बहुत है, करना क्या है उसके। तुम जाओ तो उसकी चौखट पर पहुंचो, तो उसके दरवाजे तक जाओ। तो अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे, बालोद वालों का आता है क्या, बोलो जरा। मैंने तेरे ओ बाबा तेरे ही हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हत्तो कटी भोले, मैं तेरी पतन शंभो, मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छटी नामे कटी। आप उसके गुणगान का आनंद उसके हाथ में, तुम कैसे भी जाओ उसके दरवाजे पर कैसे भी पहुंचो, चाहे तुम कुछ भी कहो, पर एक बार मेरे महादेव के दरवाजे तक जाओ तो सोमनी के हाथ की फेंकी हुई बेलपत्र मेरे बाबा तक पहुंच गई, तो उसको कैलाश धाम मिल गया। आप टोटका समझकर चले जाओ चाहे फोटका समझकर चले जाओ, तुम जाओ तो जब बेलपत्र कैलाश धाम तक पहुंचा सकती है, तो बेलपत्र की जगह आप स्वयं जब जाओगे तो बाबा करुणा करेगा ही, ये निश्चित है, कल्याण करेगा ही। करेगा। कलयुग ही नहीं शिव युग है ये। कौन सा युग? कलयुग नहीं है, शिव युग है। गया कलयुग, आज एक एक गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में, मोहल्ले मोहल्ले में, क्षेत्र क्षेत्र में, कॉलोनियों में, सोसाइटियों में, पहले होटल में भीड़ मिलती थी, लाइन लगाना पड़ती थी, चाउमीन खाने की भीड़ मिलती थी, लाइन लगाना पड़ती थी, आज शंकर मंदिर में जल चढ़ाने की लाइन लगाना पड़ती है। इसी को शिव युग कहते हैं। ये कलयुग नहीं, ये कलयुग ही नहीं शिव युग है ये।
कलयुग ही नहीं शिव युग है, भगतों का दुखड़ा काटन है, भगतों का दुखड़ा ये शिव युग है, जिस युग में हम देवाधिदेव महादेव को पाने के लिए लाइन लगा कर खड़े, जिसको पाने के लिए हम जल लेकर खड़े, जिसको पाने के लिए हम बेलपत्र लेकर खड़े हैं। आज तक कौन खड़ा हुआ है साहब? शंकर जी भी फ्री बैठे रहते थे, लोग आराम से चले जाते थे, लोटा भर के चढ़ा जाते थे। आज के जमाने में शंकर जी सबसे व्यस्त, पार्वती जी से भी बात नहीं कर पा रहे, इतनी व्यस्तता है।